मैं पुर्तगाल में, मेरा नौवा के दसवां महीना है, ठीक है, और मैंने पाकिस्तान एक रुपया नहीं भेजा भी, तो मैंने सोच लिया पक्का दरबार हूँ इतना ही अपना बनेगा, पुर्तगाल ची रहना जिन्ना तक पासपोर्ट नहीं लेना रेड। कोई सोने के लिए रात नहीं, कोई जगह नहीं थी मेरे पास, तो उन्होंने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, आप गुरुद्वारा साहब है इसके अंदर चले जाएं, ओके, वहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ फ्री है। नहीं, पुर्तगाल की लाइफ जो बहुत डिफिकल्ट है। ये पुर्तगाल में आपने फाइल अपनी कितने पैसे में करवाई? सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज है हमारे साथ आकिब भाई, गुजरांवाला, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, और जनाब इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी मुश्किलात का पुर्तगाल में सामना इनको करना पड़ा, और इन्होंने 5 लाख कितने में की, बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, और जनाब इन्होंने अकामोडेशन भी बड़ी मुश्किल लबी, बार भी सुते ने, एक एक चीज़ आपको बताने लगे हैं। तो जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर तो आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, थैंक यू। और अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी बंदा बड़ा सादा और बहुत नाइस और बड़ा भी भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जब मैं फ्लिक्स बस से, मैं फ्रांस से आया था पुर्तगाल में, तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे ओरिएंट, जो आपको देखा ही होगा आपने, उधर मैं फ्लिक्स बस से उतरा, तो ओरिएंट से जब मैं आया, पहली मेरी रात थी पुर्तगाल में। अच्छा, तो बस का मसलन सफर जो है ना 24 आवर का होता है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रांस से जो आते हैं ना पुर्तगाल में, तो रास्ते में स्पेन में स्टे होता है और फिर पुर्तगाल में जो है ना बस इंटर होती है, ठीक हो गया। तो यह मसलन के वो इसी तरह की डायरेक्शन में आपने एक ही जगह पे 24 आवर गुजारने हैं। तो मेरा जो कान था ना यहाँ से, इसमें रेशा पड़ गया था, मैं सोया था और यो पानी इधर चला गया था कान में, सही, रेशा बिच पै गया कान। कोई बात नहीं, पंजाब जनाब पंजाबी भी गल कर सकते हो, कर सकना अपने इंडियन पाकिस्तानी बहुत पसंद, बहुत लाइक कर देना। चलो जी, सब तो पहला जो मैं पुर्तगाल की जी मेरी पहली रात सी ना, वो मैं अल्लाह थोड़ा भला करे उतू ओरियंट तो उतरा, मैं मेट्रो से बैठा, कार्ड कूड नहीं, मैं उ टिकट लैके ते मैं आ गया जेड़ा नहीं गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा इंडियन ओदी वैलस में, ओदी वैलस में मैं आ गया। कोई बंदा नहीं था मुझे जहाँ जानने वाला, किसी को मैंने इनको थोड़ा मैं होता, मैं जानता था क्योंकि इनकी मैंने वीडियोस देखी हुई थी, और भी यूट्यूबर है उनकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी हुई थी, बहुत अच्छी इंसान है ये। तो जब मैं आया तो पहली रात मेरी एक इंडियन अपने भाई मिले मुझे सिख, उनसे मैंने पूछा यार इधर कोई खाने पीने का या कोई रहने का सिस्टम है, क्योंकि जो मैं तुर्की में देख के आया था उधर आप बाहर भी सोते हो तो लोग आपको वैसे ही चलते फिरते कुछ ना कुछ दे जाते हैं खाने वगैरह के लिए ना, जब आप बैंकी वगैरह में होते हो। मतलब कहने का ये है कि आप पुर्तगाल लिस्बन में आए हैं, तो आपको सोने के लिए रात नहीं, कोई जगह नहीं थी मेरे पास, तो उन्होंने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, आप गुरुद्वारा साहब है इसके अंदर चले जाएं, ओके, वहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ फ्री है, क्या आप जाके लंगर उधर चल रहा है 24 घंटे, आप जाओ जो दिल है आपका खाओ, क्या बात। तो चलें जी, मैं वैसे थोड़ी सी मुझे हेजिटेशन भी, क्योंकि वो इंडिया से है पाकिस्तान से, जैसा कि हमारे माइंड में लोगों में डाला गया है, ये डाला गया है, देखिए ये डाला गया है, लेकिन ऐसा है नहीं है। देखो बंदा पाकिस्तानी है, मदद कौन कर रहा है? इंडियन कर रहा है। मदद कौन कर रहा है? सिख कर रहा है। यार ऐ जेरी है ना प्लस पॉइंट होता है, पॉजिटिव चीजों नु फैलाया करो, ठीक है, देखो इंसान अच्छे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी आप अंदर चले जाओ, खाना वगैरह सब कुछ फ्री है, सही है, जाके खाओ। चलो जी, उन्होंने कहा सोने के लिए वो नहीं जगह प्रोवाइड करते, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा लोग आते हैं, वो हर किसी को नहीं मसले का अकोमोडेशन का मसला भी है। चलो जी, मैं चला गया, अच्छा खाना था, चावल थे, 7 रोटियां थी, बाद में मीठे के लिए चाय भी थी, बर्फी भी थी, सब कुछ। ऊपर फिर मैं चला गया थोड़ा सा ऊपर, मैंने देखा मतलब मैंने विजिट भी किया कि क्या है, उधर तलवारें शलवारें पड़ी थी, मैं नाल ही बाहर आ गया, मैं बाहर गला ही ना वाट दे नहीं 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 तो अच्छा। लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छे लोग। फिर मैं बाहर आ गया, बाहर आके वो सामने ही पार्क है ओदी वैलस के, ओके, उधर मैं फिर जो ना 10 बज के थे तकरीबन, मैं उधर ही जो है ना सो गया, कान मेरा काफी ज्यादा खराब था क्योंकि इसमें रेशा वगैरह डल गया था, बंद था। आप पुर्तगाल में आने के बाद पहली रात आपने पार्क में गुजारी? पार्क में गुजारी। उसके बाद? तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान से मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने कॉल की बंदे को कि यार ऐसे ऐसे मेरा बेटा पार्क में है, तो आप ना कुछ करें, वो आने आके ले गया मुझे। फिर उसने बेस्ट पेस का मेरा अरेंज हो गया। तो बेस्ट पेस का आपका कितना खर्चा है मंथली, अभी ये भी जरा लोगों को बता दे कितना रेंट है? अभी तो बहुत ज्यादा रेंट चल रहे हैं पुर्तगाल में, आप जहाँ भी जाएंगे 200-250 चल रहा है। एक रूम में कितने बंदे ने अभी दस तो यार? बंदे 4-4 है, 5-5, 6-6 है, और जिन्ना देले बाड़ी जान दे, जिन्ना देले बाड़ी जान दे, सही है, क्योंकि वो एक कारोबार सिस्टम बन गया इधर। सही बात है। मेरा कहने का मकसद ये है की यार चलो आप थोड़े से ना 120 कर ले या 150 कर ले, कोई वो भी लोग हैं जो इतने नहीं अफोर्ड कर सकते, वो इतने में रह लें अकोमोडेशन में।
आपने फाइल लाख का जिक्र किया, जरा ये भी आके भाई बता दें कि पुर्तगाल में आपने फाइल आपने कितने पैसे में करवाई? जी मैंने 500 यूरो में अपनी फाइल जो है ना लाख करवाई पुर्तगाल में। सही है, एजेंट ने मेरी फाइल ला की, ठीक है 500 में तुम्हारा टोटल काम निफनिस मिल गया, 500 में हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो आपका हो गया। अच्छा आके भाई 500 में तो अपनी फाइल ला की थी, ये भी बता दें कि आपके कितने टैक्स अभी तक लीगल गए हैं? जी मेरे 3 टैक्स लीगल किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका काम अभी नहीं है? उसके बाद अभी काम नहीं है। और अभी अभी इस कंडीशन में सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर में भाई के पास काम नहीं है, तो तुसी यार की करोगे अगे? गुजारा हो जाएगा? गुजारा देखो जी इंजी चलता ही पिया, रब सोने दे आसरे ते तुरन दे आ। सही है, उधर भेजा में मैं चला गया था, उधर मैं एग्रीकल्चर वगैरह का काम किया जैतूनों का। हां सही है, उधर मैंने 3 टैक्स दिलवाए उन्हें, जो लीगल टैक्स गया, लीगल टैक्स गया, मैंने काम किया था, काम किया 10-10 दिन 15-15 दिन। कितनी सैलरी आती थी ये भी बता दे, 700-800 बन जाता था उधर मसन के? सलमान भाई अगर पूरा मंथ लग जाए ना हाँ, तो इतने पैसे बन जाते हैं, 850 भी बन जाते हैं, अंदर बारिशें भी आती हैं, सही है, मौसम भी खराब होता है, उधर बैठना भी पड़ता है, सही है, कुछ मालिक ऐसे होते हैं यार मेरे 5 दिन का काम है, 5 दिन के बाद वो कहते हैं यार अभी काम निकलेगा, तो लकड़ियाँ उठानी होती हैं, एग्रीकल्चर में जैतून वगैरह झाड़ना होता है, सही है, तो इस तरह का काम था, तो मेरे तकरीबन 3 टैक्स उधर गुजारा हो जाता है। सबसे मेन चीज थी मुझे टैक्सों की, वो 3 चले। अच्छा अभी आप ये बताएं आपका गुजारा कैसे हो रहा है? आपने मुझे बताया आप कोई काम इधर उधर फेरी का कर रहे हो, जरा लोगों को बताएं। अभी फिलहाल मार्सा जिसे बोलते हैं, ठीक है, मैंने ग्रीस में भी किया, उसे लैकी बोलते हैं ग्रीस की जुबान में। मार्सा क्या चीज है जिसको आप फेरी का काम बोल सकते हो? ठीक है, इन्होंने सिमें भी सेल की हैं, यहाँ पे लोग बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि इंसान ने रहने के लिए खाने पीने के लिए कुछ तो करना है ना, तो ये सिमें भी मीन के हार्ड वर्क इंसान है, गिव अप नहीं करता, ये सबसे अच्छी बात है कि ये गिव अप नहीं करता। बोलिए आप। मैं यहाँ पे लिस्बन में काफी जगह पे वो लगते हैं मार्सा उनको बोलते हैं, मसन के इधर ओरिएंट में भी लगता है, और दूसरी वो अलग अलग हर दिन में अलग अलग जगह पे लगाते हैं, सही है। साथ में उनके मंडी भी जाना पड़ता है, सही मंडी है। में गाड़ी पूरी होती है, ट्रक होता है, सही उसको लोड करना होता है, सही है, तो वो भी मैंने सलमान भाई अपने हाथों से लोड किया हुआ है, इनके हर काम हर आपको हाजिर है आपके लिए। मैंने कहा जो भी करना है यार इधर रहने के लिए ना, खाने के लिए बसने के लिए करना पड़ेगा। आप बताएं कि पुर्तगाल की लाइफ आसान है? पुर्तगाल की लाइफ जो बहुत डिफिकल्ट है, जो नया बंदा आता है उसके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है, अगर आगे आपका कोई जानने वाला नहीं है, अगर आगे आपका कोई जानने वाला है फिर तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन हमेशा पीछे से कोई इंतजाम करके आए। डिफिकल्टीज आपको आती हैं, ये नहीं कि डिफिकल्टी नहीं जाएंगी, लेकिन सबसे अच्छी जो पुर्तगाल की चीज है यार आपको कार्ड दे रहे हैं, कार्ड, ये बात अच्छी है, और ये बंदा बड़ा मजबूत है, सनी देवल है साडा जी। हाँ जी, और ये अपने सलमान भाई हैं, इनकी आपने वीडियोस देखी होंगी, अभी इनको मुबारक हो, इनको कार्ड मिल गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। इंग्लैंड का वीजा भी इनका माशाल्लाह रास्ते में लग गया, तो बहुत अच्छा है, इनको मुबारकबाद देता हूँ, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आपके लिए कॉन्टेक्ट बनाते हैं, आपके लिए शुक्रिया, मेरी तारीफ होती रहेगी, मुझे सारे लोग आप जैसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी तारीफ होती रहेगी। आपसे एक और बात पूछनी है, डॉक्यूमेंट दे देता है आपको 7 साल के बाद आपको ये पासपोर्ट देता है, रेड पासपोर्ट, और उसकी वैल्यू आपको बाद में पता चलती है। पुर्तगाल में देखें सरवाइव है, लेकिन यहाँ पे पासपोर्ट भी है, ठीक है, तो जनाब जेकर तुसी इत्थे आना है तो मजबूत हो के आना है, अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जनाब, जो अपनी मदद आप करते हैं, क्या कमाल कर दिया। इलामा इकबाल ने फरमाया जो अपनी मदद खुद करता है अल्लाह भी उनकी मदद करता है, नहीं पढ़ता किधर, इलामा इकबाल ने बोले, पता नहीं, ऐसे ही बोलिया, उनको ही गाल है। आप यकीन करें मैं पुर्तगाल में मेरा नौवां के 10वां महीना है, ठीक है, और मैंने पाकिस्तान 1 रुपया नहीं भेजा, तो ग्रीस में मैं रहा हूँ, पाकिस्तान भेजता था अपनी फैमिली को, मैं सपोर्ट करता था, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ अपना ही, घर वाले भी कहते हैं यार तुम खुद सर्वाइव कर लो, उनको पता है यार कार्ड बनवाने गया। सही। भाई एक और बात बताएं, अभी आपको पुर्तगाल में कोई काम नहीं मिल रहा फिलहाल, आप वेल हैं, आप बस दिहाड़ियां लगा रहे हैं, तो क्या आपने सोचा कि आप किसी और कंट्री में भाग जाएंगे? नहीं जी नहीं, मैं अभी तो मैंने सोच लिया पक्का, दरबार हूँ इतना ही अपना बनेगा पुर्तगाल ची रहना, जिन्ना तक पासपोर्ट नहीं लेना रेड। वाओ, तो जनाब आपने अगर आना है तो यही सोच लेके आना है, अगर आप में दम नहीं है ना तो पुर्तगाल नहीं आने का। ठीक है भाई, अगर मसलन के आप सोचते हो यार मैं इधर आऊँ फाइल ला करा के, आप स्पेन चले जाते हो, पेरिस चले जाते हो, जर्मनी चले जाते हो, तो आपके लिए नुकसान है, अभी तो बहुत ज्यादा सख्ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी होती है, इन्वेस्टिगेशन अभी तो छापे वगैरह डर रहे हैं दुकानों पे भी, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लोगों ने लगाए, लोगों ने नहीं समझ आने, मैं बोल थक गया, तो काम करें,
लीगल करें, एक नंबर काम करें, फिर ही आपको जो है ना वसीला बने। अच्छा आकिब भाई की माशाल्लाह आईज भी बहुत प्यारी है जनाब। आकिब भाई दा जैसी पुर्तगाल से रिश्ता भी कराना है तो आकिब भाई जोन से है ना, रेड पासपोर्ट पहले ही मिल जाएगा। 7 साल का वेट ही नहीं करना पैना, 2 साल होते ना कटांगे तो रेड पासपोर्ट दिलांगे, तो फिर तो कोई भी बच्ची लभ जाएगी। है लभ देने। अच्छा एक और गल आकिब भाई, आकिब भाई जनाब बहुत फनी इंसान है और ये जुगते भी मार दे, कोई जुगत मेरे ते ही मार दे हो पुर्तगाल की। आपको नेगेटिविटीज भी बताई जाए ठीक है, क्योंकि जनाब पुर्तगाल में इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये है की नॉर्मल है यार ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गोल है। आपके पास TRC कार्ड आ जाता है ना पुर्तगाल का, तो जनाब इसके आगे कोई चीज ही नहीं है ठीक है, और ये अल्लाह की एक नेमत और गिफ्ट है। तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, सलमान भाई का चैनल है रब ना आज इन्हें सब्सक्राइब ते की करो, सब्सक्राइब फिर बोलो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कमेंट भाई ने देखो बहुत कमा दियो भाई, देखो आपने जितना बोला है ना ये बोला सब्सक्राइब कर दो, वेरी गुड वेरी गुड, लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड दे नाल इन्हां दी वीडियो, तो बधा दियो इन्हां नूं जिहड़ा बड़ा प्यार कर देने। एनीवे दुआ में याद रखें, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।